Good morning, dear students. Hope all of you are fine and healthy in your homes. Dear students, we are doing exercise 2.3. हमने numerations chapter में क्या किया है? 2.3 exercise हम कर रहे हैं. And we have done the first 9 questions. So last 3 are left. Today we will do the next questions. Question number 10. अब question 10 क्या है बेटा? Write the successor. अब सक्सेसर क्या होता है? इन ब्रैकेट देयर इज गिवन. आपकी बुक में जो है स्टेटमेंट दी हुई है, राइट द सक्सेसर. सक्सेसर का मीनिंग भी आपका दिया हुआ है, द नंबर जस्ट आफ्टर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द नंबर जस्ट आफ्टर. जस्ट आफ्टर मीन्स जो नंबर आपको गिवन है उसके एकदम बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है. जस्ट आफ्टर मीन्स जस्ट उसके नेक्स्ट नंबर क्या आएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट हियर 8 के जस्ट आफ्टर मींस उसके बाद में कौन सा नंबर आता है, नेक्स्ट नंबर कौन सा है इन काउंटिंग? 9. एंड आफ्टर दैट 9 से नेक्स्ट क्या आएगा? 10. 10 से नेक्स्ट क्या आएगा? 11. तो जस्ट आफ्टर के लिए अब हमने यहाँ पे क्या किया है, ये तो स्मॉल नंबर्स हैं, हमें ऑलरेडी पता है कि ये नंबर आएगा. बट व्हाट इज द मेथड, हाउ कैन वी फाइंड द सक्सेसर? हमने क्या किया इसमें, प्लस 1 किया. 8 प्लस 1 इज 9. देन अगेन 9 में 1 ऐड किया, देन 9 प्लस 1 इज 10. देन अगेन 10 में 1 प्लस किया, देन 11. सो दिस इज द मेथड टू फाइंड द सक्सेसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेडिसेसर. प्रेडिसेसर आपको क्या होता है, इससे अपोजिट होता है. प्रेडिसेसर में हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो सी क्वेश्चन 10, राइट द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर. अब यहां पे आपको क्या है, बिग नंबर्स गिवन है, और बिग नंबर्स में जब हम 1 ऐड करेंगे तो आपकी जो नेक्स्ट डिजिट है, वन्स प्लेस में हम 1 ऐड करेंगे तो 1 ऐड होने से नेक्स्ट नंबर पे भी हमारा इफेक्ट पड़ता है, नंबर कुछ इंक्रीज हो जाता है कई बार. सो हेयर नंबर वन्स डिजिट इज गिवन 2. 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3. देन फर्स्ट नंबर आपका क्या गिवन है, 1,70,632. इट मीन्स हमें 1 ऐड करना है इन वन्स प्लेस. यहाँ पे 1 नहीं ऐड करोगे आप, 1 कहाँ ऐड करोगे, इन द वन्स प्लेस. सो इट इज 2 प्लस 1 3, देन 3 सेम 6 0 7 1, देन द नंबर कम्स 1,70,633. क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो सेम, एड हियर 1, देन नंबर क्या बन जाएगा, 25 से 26. See this question. 80,999. अब आप इसमें 80,000 में 999 में जब आप 1 ऐड करोगे इन वन्स प्लेस, सो हेयर 9 प्लस 1 इज 10. 1 आपका क्या आएगा, हेयरी दिस नंबर. देन अगेन 9 प्लस 1 इज 10, 1 कैरी. अगेन 9 प्लस 1 इज 10, 1 कैरी. देन 0 प्लस 1 इज 1, हेयर इज 8. देन नंबर क्या बन गया आपका, 81,000. तो डायरेक्ट बेटा आपको क्या करना है, ओनली वन्स प्लेस में ऐड करके नंबर नहीं लिख देना है, आपको कंप्लीट ऐड करके देखना है कि बाकी नंबर में भी क्या चेंजेस हो रही है. क्लियर? सी दिस क्वेश्चन, हेयर इज ऑल्सो सेम. अगर आप इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या जाएगा, 4 प्लस 1 इज 5. आप आगे कोई कैरी नहीं जा रही तो बाकी नंबर क्या जाएगा आपका, सेम आ जाएगा, 5,41,395. क्लियर? आंसर क्या आया, 5,93,145. सी द लास्ट पार्ट, हेयर इज गिवन 19,999. जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे, 9 प्लस 1 इज 10, 1 कैरी. अगेन 9 प्लस 1 इज 10, 1 कैरी. 9 प्लस 1 10, 1 कैरी. 9 प्लस 1 10, 1 कैरी. आंसर इज 1 प्लस 1 2. तो नंबर था हमारा 19,999 और वो 1 ऐड करने के बाद क्या बन गया, 20,000. सो आंसर इज 20,000. क्लियर? यस. देन क्वेश्चन 11 इज राइट द प्रेडिसेसर. अब प्रेडिसेसर क्या होता है, सक्सेसर मींस द नंबर विच कम्स जस्ट आफ्टर, एंड प्रेडिसेसर द नंबर जस्ट कम्स बिफोर, जो उससे एकदम पहले आता है. मीन्स लास्ट नंबर क्या है, इसमें हम लिखते हैं नेक्स्ट नंबर, इसमें लिखते हैं हम लास्ट नंबर, उससे प्रीवियस नंबर क्या है हमारा.
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वन सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो हेयर इज गिवन 15,485. अब इससे आप वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 1 = 4, 8 - 4 = 5, 1. नंबर क्या आ गया आपका, 15,484. क्लियर. देन नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, हेयर इज गिवन 19,701. अब 19,701 से आप वन सब्ट्रैक्ट करिए, 1 - 1 = 0, 0, 7, 9, 1. आंसर इज 19,700. क्लियर. सी दिस ई पार्ट, डू दीज टू पार्ट्स योरसेल्फ. सी एंड डी आप अपने आप करेंगे. सी, इसमें से हम वन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे देन हेयर इज जीरो, जीरो से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, देन वी टेक अ बोरो. नाउ हेयर इज 10, 10 - 1 = 9. हेयर इज, यहां पे आपका 10 आ गया, हेयर इज 9, देन 9 - 0 = 9, इट इज 6, 8 - 1 = 5 - 3 - 6, देन वन आंसर इज आवर 35,18,699. क्लियर हाउ वी सब्ट्रैक्ट. ओके, नेक्स्ट लास्ट वन इज 5 लाख. अब 5 लाख से जब हम वन सब्ट्रैक्ट करेंगे देन नंबर क्या आएगा आपका, वी टेक अ बोरो फ्रॉम दिस 5. यहां से लेंगे, ये नंबर क्या हो जाएगा 10, यहां से आप नेक्स्ट को देंगे, नाउ इट इज 9. अब यहां से भी बोरो कहां पे जाएगा, 10 से इस 9 पे जाएगा, ये हो गया, नेक्स्ट पे जाएगा 10, यहां से नेक्स्ट को देंगे अगेन 9, 9, और लास्ट 0 हमारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 10 में. नाउ हेयर 10 - 1 = 9, इट इज 9, 9, 9, 9, और यहां से हमने 5 से बोरो दिया था, हेयर इज लेफ्ट 4. सो आंसर इज 4,99,999 राइट हेयर. सो इन दिस वे वी फाइंड द predecessor and the successor. What is the successor? See again, in successor we write the number which come just after, means next number we write. In predecessor we write the last number, previous number which come just before, means one subtract karke write karna hai. Here be plus 1, here be minus 1. Done this? So dear student, last question hai of this exercise, question 12, fill in the blanks. Here is given सम ब्लैंक्स. अब आपको ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं. डैश थाउजेंड्स मेक अ लाख, ये टर्म्स हमने ऑलरेडी की थी बेटा, मैंने नोटबुक में भी राइट करवाया था कि आपके कितने टेंस आपके हंड्रेड बनाते हैं, कितने टेंस थाउजेंड बनाते हैं, कितने हंड्रेड आपके थाउजेंड बनाते हैं. ठीक है, अगर आपको लर्न है तो आप डायरेक्ट राइट कर सकते हो. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश थाउजेंड्स मेक अ लाख, मीन्स एक लाख में आपके कितने थाउजेंड्स होते हैं ये बताना है. इसके लिए आपको एक शॉर्ट मेथड बताती हूँ. आप इसमें से जो बिग नंबर है लाख, राइट हियर 1 लाख राइट कर दिया हमने. सेकंड इज थाउजेंड, राइट हियर 1000. क्लियर, आप दोनों को कंपेयर करिए, इन 1000 3 जीरोस, इन लाख 5 जीरोस. अब स्मॉल और बिग को जब हम काउंट करेंगे तो हम सेम डिजिट्स को क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस कर दिया, इट मींस हमने 1 लाख को 1000 से डिवाइड कर दिया, 3 जीरोस कट हो गई, देन व्हाट इज लेफ्ट 100. क्या बचा आपका 100. तो 100,000 मेक्स अ लाख, आंसर आ जाएगा आपका 100. क्लियर दिस. सेकेंड, डैश टेंस मेक अ थाउजेंड, सेम मेथड वी यूज हेयर अगेन. अब आप क्या लिखोगे, 1000, 1000 किसके इक्वल होता है आपका दिस, आप उसको नंबर्स में राइट करिए, देन टेंस, टेंस दिस डिवाइड कर दीजिए, 10 क्रॉस हो जाएगी, व्हाट इज लेफ्ट अगेन 100, देन आंसर इज 100 टेंस मेक्स अ थाउजेंड. क्लियर. नेक्स्ट, डैश हंड्रेड्स मेक 10,000,
अब 100 किसकी, 10,000 राइट करिए फर्स्टली, 10,000 रिटर्न, देन 100 राइट हियर, 100। अब 100 में 20 है, यहां से भी 20 क्रॉस कर दीजिए, व्हाट इज लेफ्ट, अगेन लेफ्ट 100। सो 100 हंड्रेड्स, अगर हम 100 को 100 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, 10,000 बनेगा। ऐसे ही हम टेंस को 100 टाइम, मींस जो नंबर 10 है उसको हम 100 टाइम ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, 1,000 बनता है। लास्ट वन, डैश टेंस मेक अ लैक। अब क्या बोला है, कितने टेंस एक लैक बनाते हैं, अगेन राइट 1 लैक राइट करिए, 1 लैक, 1 लैक में कितने जीरो आएंगे आपके, 5, देन 10, 10 में कितने जीरो आएंगे आपके, 1। इट मींस लैक से हमने क्या करना है, 1 0 क्रॉस करनी है, देन व्हाट इज लेफ्ट, 1s, 10s, 100,000, 10,000, व्हाट इज लेफ्ट, 10,000। सो हेयर कम्स 10,000 टेंस मेक अ लैक। क्लियर बेटा, क्वेश्चन हमने कैसे किया है, सी वंस अगेन, जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, जो बिग नंबर गिवन है तो बिग नंबर से जितना हमारा स्मॉलर नंबर गिवन है उस स्मॉलर नंबर की डिजिट काउंट करके वो रिमूव कर देते हैं, देन व्हाट इज लेफ्ट, देन दैट मेक्स द 100 मेक अ लैक, देन 10 मेक अ 1,000, यू कैन फाइंड इट इजिली। सो दिस इज आवर एक्सरसाइज 2.3 विच कंप्लीटेड टूडे।